दोस्तों अर्लीवुड पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे सब्सक्राइब करके ये वाला जो घंटा होगा ये ऑल नोटिफिकेशन का आपको ऑन कर देना है और वीडियो को शेयर कर देना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँच सके और प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। दोस्तों यदि आप अर्लीवुड की मेम्बरशिप लेना चाहते हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे आप। ज्वाइन करने के बाद आपको इधर 29 का मेम्बरशिप दिखेगा, 599 का दिखेगा, ठीक है, जो भी आपको पसंद आता है तो वो आप ले सकते हैं। और कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सअप के बाद हम लोग कॉल कर लेंगे आपको, ठीक है, और जो भी परेशानी होगी उसको जो पॉसिबल सॉल्यूशन होगा आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, बड़ा झटका। आखिर ऐसा कौन सा झटका लगा है और हम सभी लोगों को, जो वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और आखिर क्या अपडेट्स हैं मॉरेटोरियम को लेके ये भी हम आपको बताएंगे ताकि आपकी जो परेशानी है वो सॉल्व हो सके, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जो आपने जैसा थंबनेल में देखा मॉर्निंग ब्रेकिंग 30 अगस्त आज का डेट है दोस्तों, 30 अगस्त ही है और 30 अगस्त है और हम आपको बता देते हैं, एक बार टाइम भी दिखा देते हैं, वो काफ़ी टाइम से हम टाइम भी नहीं दिखाए हैं आप लोगों को। ये देखिए 30 अगस्त है, 6:30 मॉर्निंग हो रहा है, ओके। तो चलो अब देखिए, ये देखो 1 सितंबर से बढ़ेगा ईएमआई का बोझ। क्या लिखा है यहाँ पर, 1 सितंबर से बढ़ेगा ईएमआई का बोझ और सोमवार को ख़त्म होगा मॉरेटोरियम और किस किस पर पड़ेगा इसकी मार। एक तरह से समझ लो ये एक बहुत बड़ा झटका ही है, ये झटका नहीं है तो और क्या है ये, ठीक है। और आरबीआई ने बोला जो 31 अगस्त को ख़त्म होने वाला है और सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है, तो आरबीआई कुछ सुनने ही नहीं वाला, किसी का कुछ सुन ही नहीं रहा है। तो हमें लगता है जो आरबीआई नहीं सुन रहा है तो सुप्रीम कोर्ट तो ज़रूर सुनेगा। और सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि आपको मालूम है केस चल ही रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सरकार को जो आप फटाफट 1 तारीख को जवाब दीजिए, 1 सितंबर को, और 1 सितंबर को ही सबसे पहले कोर्ट खुलते ही और इस केस का नंबर आते ही, और कपिल सिब्बल साहब मुझे लगता है ये पहले डिमांड करेंगे जो पहले मॉरेटोरियम को बढ़ा दिया जाए, इसके बाद इस केस की सुनवाई आगे की जाए, क्योंकि मॉरेटोरियम ख़त्म हो गया है और मॉरेटोरियम जब तक कोर्ट में केस चल रही है तब तक मॉरेटोरियम को बढ़ा देनी चाहिए। तो इन सब बातों पे बहस होगा और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट मॉरेटोरियम को ये बोलेगी जो जब तक सुनवाई चले तक क्यों ना हम तब तक मॉरेटोरियम को कुछ टाइम के लिए बढ़ा देते हैं, 1 महीने के लिए हो, ठीक है। मुझे लगता है 1 से 2 महीना तो ज़रूर सुप्रीम कोर्ट बढ़ा सकती है जब तक कि कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बाकी यदि आरबीआई या सरकार का कोई नुमाइंदा बोलता है, सरकार की तरफ से बोला जाता है जो मॉरेटोरियम हाँ हम बढ़ा रहे हैं तो मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये मान के चलिए जो सुप्रीम कोर्ट ही अब फैसला कर सकता है और कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि सभी का रवैया अजीब सा है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अर्लीवुड को सब्सक्राइब कर लेना। और अच्छा हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मॉरेटोरियम न्यूज़ का भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है, मॉरेटोरियम न्यूज़ यूट्यूब चैनल का, जो हमने आप सभी के लिए बिल्कुल वहाँ पर आपको न्यूज़ भी मिलेगा, न्यूज़ ही मिलेगा सिर्फ, और वो भी पक्का न्यूज़ ओरिजिनल न्यूज़ मिलेगा बिल्कुल ऑनेस्ट स्टाइल में, ठीक है। तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखना है तो आप मॉरेटोरियम का इस चैनल पर आएगा, मॉरेटोरियम न्यूज़ वाले पे, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कर दीजिए, आके जाके जाइए लिंक पे दिया हुआ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और मॉरेटोरियम न्यूज़ को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। वीडियो देखिए, कोई दिक्कत परेशानी है तो पूछ लो आप, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेंबरशिप वगैरह ज्वाइन कर लेना, कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने हो तो मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद ही व्हाट्सअप करना, ऐसे व्हाट्सअप करोगे तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये है आप मॉरेटोरियम न्यू अर्लीवुड पर जो हमने आपको बता दिया, एक तरह से ये बहुत बड़ा झटका ही है। थैंक यू दोस्तों।